तत्पश्चात कहा कि सदा मंगल संयुक्त सा भवेनात संशया, सदैव मंगल होगा अमंगल नहीं होगा। यात्रा काले च पुण्याय या शृणोतु समाहित, जो यात्रा के समय में भगवान गणेश के बारह नाम बोलेगा उसकी यात्रा में कोई कष्ट नहीं आएगा। यात्रा में चोरियां बहुत हो जाती हैं, बैग चले जाते हैं, गाड़ियां लूट ली जाती हैं। इस ग्रंथ में स्टंप लगा करके कहा है चलते समय यदि भगवान गजानंद के द्वादश नाम, ये सुमुखशयी का दंतशय श्लोक गणेश पुराण का ही है, बारह नाम आप लेते हैं आपको यात्रा में किसी भी प्रकार का विवधान नहीं होगा, ना गाड़ी लूटेगी, ना चैन कटेगी, ना कोई ऐसी दिक्कत होगी, ना जेब कटेगी। इसलिए जब भी आप घर से चलें यात्रा काले च पुण्याहि, अपनी यात्रा काल में बहुत पुण्य आप बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान गणेश के द्वादश नाम उच्चारण करके जाइए, गणेश जी के सामने दिया जला करके जाइए, गणेश जी का भोग लगा करके जाइए और गणेश जी का कोई चर्त सुन के जाइए, श्रणोति या समाहित। लिखा है कि जो लोग गणेश की कथा को सुन लेते हैं भगवान गणेश उन लोगों के हृदय में आके समाहित हो जाते हैं। और भगवान गजानंद उस भक्त का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ने देते, यह प्रभाव भगवान प्रभु श्री गजानंद का है। सर्वाभीष्टम च लभते श्री गणेश प्रसादतः, प्रसाद कहते हैं प्रसन्न रहना। जो भगवान गणेश का नित्य गुणान वादन पूजन करेगा वो व्यक्ति अप्रसादित यानी अप्रसन्न नहीं रह सकता, वो सदैव प्रसन्न ही रहेगा। आप बहुत भगवान देवी देवताओं को पूजते हैं, पंचदेव उपासना में जिन भगवान गणेश जी का नाम आता है आप भगवान गणेश जी की भी जरूर पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में 4 बजेंगे, कुछ औपचारिक सूचनाएं हैं जो सूचनाएं हम यहाँ से नहीं दे पाए हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। कुछ भक्तों ने जो सहयोग किया है उनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो बाद में भक्त लोग आए हैं बाहर, ये कार्यालय लगा हुआ है और आप इन सेवा कार्यों में अपना सहयोग समर्पित करते हुए अपनी सौभाग्य की प्रशंसा कीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम है।